कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, हम भी अच्छे हैं। और ये वीडियो है मॉर्निंग के टाइम का, और अभी टाइम हो रहा है कितना, 10 बज रहा है। अभी मॉर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10 बज रहा है। मैं नहा धो ली हूँ, फ्रेश हो गई, पूजा का पाठ सब हो चुकी है, और अब मैं तैयारी कर रही हूँ नाश्ता बनाने की। और आज ये वीडियो है संडे का, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं कल गई थी ना, मैंने मंदिर का आप लोग को वीडियो दिया है, तो उस पर काफ़ी मतलब आप लोग को अच्छा लगा मंदिर, हमारे यहाँ मंदिर का दर्शन करके, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हर जगह का पता होना चाहिए, और मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई हूँ, तो प्लीज़ इसी वीडियो में ऐड करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू रखिए, पूरा देखिएगा, ठीक है? और जो भी हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियो आती है, ब्लॉग आता है, उसको आप देख सकें, नहीं तो आप कहाँ खोजोगे। और मैं अभी किचन में हूँ, और बनाने वाली क्या हूँ वो भी आप लोग सुन लीजिए। संडे है, बच्चों लोग का कुछ स्पेशल डिमांड हो रहा है, तो मैंने कल फुला के रख दिया था क्या, डोसा बनाने की तैयारी। तो देखिए मतलब तीन बच्चे हैं ना, तो तीनों का अलग अलग फरमाइश होता है, कोई डोसा खाता है, कोई इडली खाता है, कोई कुछ खाता है। तो क्या है, सुबह टाइम ना मैंने बच्चों को इडली बना के मैंने दे दिया था, और दाल वगैरह मैंने पीस के शाम को रख लिया था, सुबह की तैयारी पूरी हो गई थी, प्रोसेस कर लिया था मैंने, कि बस चटनी वगैरह सब बन चुकी है। बच्चों लोग को मैंने इडली बना के दे दिया, लेकिन अब इनको डोसा खाना है, और मेरे मिस्टर जी को भी डोसा ही पसंद आता है, मसाला डोसा। तो चलिए फिर, यहाँ पे मैंने देखिए आलू भी अभी रेडी कर लिया है, और यहाँ पे बनाने वाले हैं आलू मसाला। सो गाइस जी, देखिए यहाँ पे आलू मैंने उबालने के लिए रख दिया था, और आलू उबल गया है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू मसाला। तो बहुत ज़्यादा मैंने आलू नहीं रखा है, बस डोसा के हिसाब से ही मैंने रखा हुआ है। और पति देव जी को ना डोसा मसाला बहुत ही पसंद, आलू डोसा मसाला बहुत पसंद आता है, इडली वगैरह इनको पसंद नहीं आता, लेकिन बच्चों को पसंद आता है, बच्चों को तो दोनों पसंद आता है। तो यहाँ पे चलिए फिर हम फटाफट से मसाला रेडी कर ले रहे हैं, और फिर बनाते हैं क्या, डोसा। तो चलिए फिर फटाफट से, मैंने यहाँ पे प्याज काट के रखी है, कड़ी पत्ते वगैरह सब रखे हुए हैं, और फटाफट से यहाँ पर मैंने पैन चढ़ा कर रख दिया है। और चलिए फिर इसको जल्दी जल्दी से हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटे, इतना बचा हुआ है, और इसका हम डोसा ही रेडी करेंगे। अभी थोड़ा गाढ़ा है ये, हल्का सा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। और यहाँ पे इस देखिए पैन पे मैंने डाल दिया सरसों का तेल। तो हम ज़्यादातर ना सरसों के तेल से कुछ भी आइटम बनाते हैं, सरसों के तेल का बहुत ही बढ़िया रहता है, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और चलिए फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया है राई, डाल दिया है यहाँ पे, प्याज मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे कड़ी पत्ते बड़े बड़े थे ना, और ये देखिए यहाँ पे अचानक से इसमें छौंका में आग लग गई थी, और मुझे तो बिल्कुल डर लग गया था। और ये देखिए अब इसको थोड़ा भून लेंगे, इसको बहुत ही ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करेंगे, बस ये थोड़ा मतलब हल्का कलर चेंज हो जाएगा। और चलिए फिर इसमें मसालों को ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डाले दे रही हूँ हल्दी, और बस ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालते, सिंपल सा आलू मसाला रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे डालूँगी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च डाला है, लेकिन कोई तीखा होता है कोई नहीं होता, ये चटपटा सा ये मसाला रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, जितना तीखा खाना हो उस हिसाब से डालिएगा। और यहाँ पर मैं ये पैकेट वाला मसाला ना, इस टाइम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसी को मैं डाल रही हूँ। और चलिए फिर आलू ये रखें, जो इनको भी फटाफट से मैश के ले रही हूँ, और फिर इनको भी डाल दूँगी। तो वैसे भी आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो ज़्यादा मैं इनको मैश नहीं कर रही हूँ, बस इनको कट थोड़ा मारे दे रही हूँ। और ये देखिए हमारा आलू, आप इसमें हम आलू डालेंगे और अच्छी तरह से इसको चला देंगे, और बस आलू वगैरह फटाफट से ये रेडी हो जाते हैं, बट थोड़ा टाइमिंग तो लगता ही है। चलिए फिर आलू मसाला वगैरह रेडी हो गया, चटनी रेडी हो गया, सब रेडी हो गया। यहाँ पे थोड़ा किचन को मैसी है, तो मैं पोंछ दे रही हूँ और डब्बे वगैरह सेट कर दे रही हूँ, फिर इसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं डोसा। सो गाइज, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, इसके बाद कमेंट कीजिए, और आगे शेयर जरूर से जरूर कीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं कटोरी में ले रही हूँ तेल और पानी, ये डोसा बनाने के लिए इसको रेडी कर रही हूँ। ऐसे ना और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा पानी डाल के ये बेटर देखिए मैंने पतला कर दिया, और ऐसा
परफेक्ट होना चाहिए ताकि कलछी से जब हम गिराएं तो बिल्कुल वो धारदार गिरनी चाहिए। और ये देखिए आलू हमारी ठंडी हो चुकी है, तो इसको मैं साइड में रखे दे रही हूँ। और आज मैंने बालों पे देखिए मोटा वाला रेड कलर का गजरा लगाया, और ये देखिए फ्लावर था, तो बेटी मेरे बालों पे फ्लावर लगा रही थी सनफ्लावर का जो था, लेकिन लग ही नहीं रहा था सनफ्लावर का फूल, तो मैंने कहा चलो जान दो नहीं कचड़ा हो जाएगा। और तवा को पहले ग्रीस कर देते हैं तेल और पानी से, इसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। और ये लोहे का तवा, कोई नॉन स्टिक का तवा नहीं है। चुका है और जा रही हूँ देने मिस्टर जी को, और इसमें फिर बनाती जाऊंगी गर्मा गर्म सर्व करते जाएंगे। तो आइए चलिए फिर आप लोग भी खा लीजिए और बने रहिएगा हमारे वीडियो पे, देखिए कितनी बढ़िया क्रंची क्रंची हमारी। तो चलिए फिर ऐसे ही हम फटाफट से रेडी करते जा रहे हैं और सबको बनाते जा रहे हैं और यहाँ पे देते भी जा रहे हैं। तो पहले तो मैंने दे दिया पति देव जी को भी, और उनको काफी पसंद आ रहा है क्योंकि उनको मसाला डोसा ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, उनको इडली वगैरह पसंद नहीं आती है। तो आप लोग बताना किनको किनको डोसा पसंद आता है, और घर पे बनता है ना तो आराम से, मतलब फिर ये तो डोसा पार्टी ऐसे होती रहेगी, मतलब दिन में हमारा यही फिर चलता रह गया। और फिर दोपहर टाइम मतलब 4 बजे के टाइम में फिर हमने हल्की फुल्की खिचड़ी बनाई थी बस, और कुछ नहीं बनाया था। और ये देखिए बस हमारा बनाने का यही प्रोसेस है। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप लोग बताना, और फटाफट से हम बनाते जा रहे हैं यहाँ पे। हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है, फिनिश हो गया नाश्ता, और चलिए फिर देखिए ये ढेर सारे रखे हुए हैं बर्तन, तो चलिए इनको भी धुल लेती हूँ। और थोड़ा बहुत आलू बचा हुआ है, तो ये देखिए इतना आलू ये हमारा बचा है, ये मसाला डोसा का चटनी वगैरह बची रखी हुई है, और फिर इसका कुछ बना लूँगी दिखती हूँ। और क्या करना है किचन की सफाई कर लेती हूँ, और जो यहाँ वहाँ सामान वगैरह रखे सारे बर्तन खाली करके फिलहाल धुल लेती हूँ, ठीक है, और किचन साफ़ कर लेती हूँ।